वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करेंगे आप सभी के सीबीएसई क्लास टेंथ मैथ्स के मोस्ट इजी चैप्टर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे इजी चैप्टर हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए पहले। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इनको इन चैप्टर्स को आप पहले प्रिपेयर करके अपने प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा जो कि है एडुकाजॉन पब्लिकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला सिंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो एडुकाजॉन पब्लिकेशन है यह आपके सीबीएसई क्लास टेन मैथमेटिक्स के सभी सब्जेक्ट्स के सिंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन पेपर ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वह आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है और कह लो मार्केट में अवेलेबल सभी सिंपल पेपर में से वन ऑफ द बेस्ट है। इसको अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो 100% आप अपने होने वाले बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं मैथ्स मोस्ट इजी चैप्टर के बारे में कि मैथ्स के सबसे इजी चैप्टर कौन कौन से हैं। तो देखा जाए तो पहला हमारा है रियल नंबर। बच्चों को ये हार्ड लगता है बट ये बहुत इजी है, मुश्किल से एक से दो फार्मूले ही इसमें यूज होते हैं रियल नंबर्स, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं पॉलीनोमियल्स, इसमें भी मुश्किल से दो फार्मूले लग रहे होते हैं, एक सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बस दो तीन कॉन्सेप्ट। रियल नंबर आप कर लो, पॉलिनोमियल्स कर लो अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड नंबर पे आपका है लीनियर इक्वेशन, ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं और ये बहुत ही ईजी है, लीनियर इक्वेशन भी आप कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये थोड़ा सा आप समझ लोगे तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आपका आता है फिफ्थ नंबर पर स्टैटिस्टिक्स, और ये मोस्ट स्कोरिंग भी है और मोस्ट इजी भी आपके कह लो क्लास टेंथ मैथ्स का चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सिक्स नंबर पे है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये मोस्ट इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर हैं। और एक चैप्टर मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा, चैप्टर नंबर सेवन कह लो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, दो चार दिन आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही इजी रहता है। इसमें भी मुश्किल से दो फार्मूला है, एक आपका an टर्म फाइंड करने का फार्मूला है, एक sn फाइंड करने का फार्मूला है, दो फार्मूले लग रहे हैं, समझ जाओगे तो बहुत इजीली इनको कर पाओगे। तो सात चैप्टर ऐसे हैं जो आपके क्लास टेन सीबीएसई मैथमेटिक्स में बहुत ही इजी चैप्टर हैं और इनसे इजी चैप्टर आपका मैथ्स का कोई नहीं है। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं कठिन हैं, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इन चैप्टर्स को आप अगर प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली मैथ्स में 80 में से 50 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 80 में 80 स्कोर कर पाओगे, लेकिन 80 में आप मान लो कि 30-50 मार्क्स तक आप काफ़ी इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, तो ये चैप्टर्स आप कर लो। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।